फ्रेंड्स, हमारे कुछ व्यूअर्स, हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमसे जानना चाहा है कि सर, हमारे पास जो पुराना आधार कार्ड है वो काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जो अभी नया वाला आधार कार्ड डाउनलोड हो रहा है उसमें कुछ थोड़ा पैटर्न चेंज है, कुछ डिजाइन चेंज किया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बिल्कुल आपका जो आधार कार्ड है वो 100% काम करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप चाहते हो कि नया लेटेस्ट डिज़ाइन वाला, थोड़ा सा मॉडर्नाइज वाला अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आपका कोई दिक्कत नहीं है, वो आधार कार्ड आपका काम करेगा। बस आप देख पा रहे होगे यहाँ पिक्चर के माध्यम से, यहाँ पर जो आपको इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है, ये डिज़ाइन उसमें नहीं होता था, और यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आधार कार्ड में यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगा, किस डेट को आपने आधार कार्ड बनवाया और किस डेट को डाउनलोड किया, कुछ इस तरह के इसका जो है नया वाला सिंबल होगा। तो फ्रेंड्स, इसको आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको uidai.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा डाउनलोड आधार का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपकी आसानी के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ से पूछा जाएगा इनरोलमेंट आईडी या वर्चुअल आईडी या फिर आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर डालिए, अगर आपके पास इनरोलमेंट आईडी है तो इनरोलमेंट आईडी नंबर डालिए, अगर आपके पास वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी डालिए। फिलहाल हम यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, और उसके बाद इसमें आई वॉन्ट ए मॉस्केट आधार, यानी इसका मतलब है यदि आप आधार में अपने पूरे आधार नंबर को नहीं दिखाना चाहते हो, जो कि आपका प्रिंट आएगा, तो उसके लिए आपको इस पर टिक कर देना होगा। अगर आप पूरे यानी पूरे नंबर को, आधार नंबर, पूरे अपने आधार नंबर को दिखाना चाहते हो तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है इसे, ठीक है। फिर सिंपल से ये कैप्चा जो आपको दिख रहा है, इस कैप्चे को यहाँ पर फिल करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। चलिए हम ये सारा कुछ फिल करके एक बार सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ओटीपी हमारे मोबाइल में आ चुका है, चलिए हम ओटीपी यहाँ पर फिल कर लेते हैं, जो कि 10 मिनट का वैलिड रहता है यहाँ पे। तो हम ओटीपी फिल कर लिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ आपसे जो है यहाँ पर फीडबैक मांगे जाते हैं। जैसे अगर आपने रीप्रिंट आधार करवाया था हाँ या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, जो सा भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कितने दिन में मिला, नहीं मिला, क्या है क्या नहीं, वो सारा कुछ यहाँ फिल कर दीजिए। अगर आपको नहीं मिला है तो डिड नॉट रिसीव, मुझे तो भाई मैं आधार रिप्रिंट के लिए जो है दिया था, 50 रुपये भी दिए थे और यहाँ पर मुझे नहीं मिला है, तो मैं डोंट रिसीव पे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में आपका नाम का 4 लेटर, जो आपका नाम है उसका फर्स्ट से 4 लेटर डालना है। सपोज आपका नाम राहुल है तो आप डालेंगे सब कैपिटल में RAHU, बस इतना ही डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का अपना लास्ट वाला जो आपका ईयर होता है वो डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर नाम और डेट ऑफ बर्थ डालकर हम इसको ओके कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है बिल्कुल नए डिजाइन में। तो इस तरह से आपका आधार कार्ड बिल्कुल जो नया वाला है वो दिखेगा। अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आपका पुराना वाला जो आधार है वो भी काम करेगा। तो ये थे कुछ लेटेस्ट आज के अपडेट, जो कि हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर ने जानना चाहा था। आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।